जनपद फिरोजाबाद के लेवा कॉलोनी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर मजदूर दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों ने आकर सहायक श्रम आयुक्त अधिकारी राजीव कुमार के सामने अपनी बात रखी। जो भी समस्याएं मजदूरों को आती हैं उनकी समस्याएं जल्द से जल्द सही कराने को कहा और वेतन टाइम से देने को कहा। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि आज 1 मई को मजदूर दिवस है, जिसमें मजदूर और मजदूरों के नेताओं कार में आने वाली परेशानियों को पूछा। जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म करा दी जाएगी। अधिकारों के बारे में, उनको विधिक जानकारी देने के बारे में, उनको संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जिनका उनको शिक्षा के रूप में या किसी अन्य जागरूकता के रूप में पता नहीं चल पाता है, तो उनको जागरूक करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और श्रम विभाग ने पूर्ण सहयोग दिया है, तो अभी ये किया जाएगा, शिविर किया जाएगा, इसमें सभी तरह की जानकारियाँ इनको दी जाएंगी। कोर्ट से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से क्या क्या इनको निःशुल्क सुविधा दी जा सकती है, किस तरह की सरकारी योजनाओं का ये फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए हम आज के लिए मजदूर दिवस को लेकर कुछ है मजदूरों के लिए। मैडम, अक्सर देखा गया है कारखाने मालिकों की तरफ से और श्रमिकों को उत्पीड़न किया जाता है, मिट्टी का तेल समय से ना देना, पेमेंट से। हम तो केवल विधिक सलाह, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो केवल उनको जागरूक करने के लिए है, या जैसे कोर्ट से संबंधित उनका कोई केस है उसके लिए विधिक जानकारी वो कहाँ से प्राप्त करें। क्या है आज मैंने? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में मैं यहाँ पर मजदूरों के अधिकारों के बारे में, उनको विधिक जानकारी देने के बारे में, उनको संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जिनका उनको शिक्षा के रूप में या किसी अन्य जागरूकता के रूप में पता नहीं चल पाता है, तो उनको जागरूक करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और श्रम विभाग ने पूर्ण सहयोग दिया है, तो अभी ये किया जाएगा, शिविर किया जाएगा, इसमें सभी तरह की जानकारियाँ इनको दी जाएंगी। कोर्ट से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से क्या क्या इनको निःशुल्क सुविधा दी जा सकती है, किस तरह की सरकारी योजनाओं का ये फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए हम आज के लिए मजदूर दिवस को लेकर कुछ है मजदूरों के लिए। मैडम, अक्सर देखा गया है कारखाने मालिकों की तरफ से और श्रमिकों को उत्पीड़न किया जाता है, मिट्टी का तेल समय से ना देना, पेमेंट से। हम तो केवल विधिक सलाह, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो केवल उनको जागरूक करने के लिए है, या जैसे कोर्ट से संबंधित उनका कोई केस है उसके लिए विधिक जानकारी वो कहाँ से प्राप्त करें, निःशुल्क। मान लिया किसी के पास कोई वकील नहीं है तो उसको हम निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह की है, या जानकारी देते हैं कि संविधान में उन्हें कहाँ कहाँ प्रावधान दिए गए हैं उनके राइट्स के बारे में, उन्हें 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना है, ये उनका राइट है, या बलात्कार नहीं करना है, उन्हें संविधान में मना किया गया है कि कोई भी सेवायोजक उनसे इस तरह का काम नहीं लेगा, उनके न्यूनतम मजदूरी से